हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्री फेज मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर का एफ बी ब्लॉक यानी कि फंक्शन ब्लॉक। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा थ्री फेज मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो लेटर सर्किट है उसको हम एक छोटे से कॉम्पैक्ट यानी कि फंक्शन ब्लॉक के फॉर्म में कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, ताकि बार बार हमारे प्रोग्रामिंग में यूज़ होने के लिए हम जस्ट उस फंक्शन ब्लॉक को इंसर्ट करें और अपने स्टार डेटा स्टार्टर के जो हमारा प्रोग्राम है उसको एज ए फंक्शन ब्लॉक के रूप में यूज़ करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्री फेज मोटर के लिए स्टार डेटा स्टार्टर मैंने बना लिया। ऑलरेडी मैं स्टार डेटा स्टार्टर की डिटेल वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो आप आई बटन पर जा करके उसको डिटेल में देख सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि स्टार डेटा स्टार्टर का मैं एफ बी ब्लॉक यानी कि फंक्शन ब्लॉक बनाने वाला हूँ। ये जो पूरा आप लेटर डाइग्राम देख रहे हैं, इस लेटर डायग्राम को मैं ऐसे इस टाइप के ब्लॉक में कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर को। तो जब भी आप स्टार्ट बटन ऑपरेट करते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब आपने स्टार्ट बटन ऑपरेट किया तो स्टार कॉन्टैक्टर और मेन कॉन्टैक्टर एक साथ ऑपरेट होते हैं। उस टाइम पर आपकी जो मोटर है वो रन कंडीशन में चली जाती है और देन उस टाइम इंटरवल के बाद डेल्टा मेन के साथ में ऑपरेट होता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में मैं डिटेल में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप मेरी पुरानी वीडियो में जा करके उसको डिटेल से देख सकते हैं। इस टाइप के जो ब्लॉक होते हैं इनमें इनपुट आउटपुट इनबिल्ट कनेक्टेड होते हैं और आपको जस्ट एड्रेस फिल करके इनको एग्जीक्यूट करना होता है। चलिए चलते हैं हम लोग एफ बी की तरफ को यानी कि फंक्शन ब्लॉक को। ये जो ब्लॉक है अभी आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी आपको ब्लॉक के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ी देर में हम लोग जब डिज़ाइन करेंगे तो फंक्शन ब्लॉक के अंदर आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर का फंक्शन ब्लॉक दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है सिमेटिक 7 पर और यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको इंसर्ट कर लेना है फंक्शन ब्लॉक। फंक्शन नहीं करना है, फंक्शन भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप ये भी वीडियो देख सकते हैं। फंक्शन ब्लॉक पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर डिफॉल्ट आपको आ जाएगा नाम, यहाँ पर आपको लिखना है सिंबल नेम। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्टार डेल्टा स्टार्टर और लैंग्वेज है आपकी लैडर। इसमें अभी हम लोग लैडर में काम कर रहे हैं और कर देता हूँ मैं इसको ओके। जैसे मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि FB1 आपका क्रिएट हो चुका है। आपको इसको करना है ओके। ओके करने के बाद ये आपको इस तरीके से ओपन होता हुआ दिखाई देगा। ओके, अब आपने जो OB1 में जो प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, ठीक इसी की ही रेप्लिका आपको क्या करनी है, मैं इसको इस तरीके से कॉपी कर देता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ FB1 में और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सबसे पहला काम है आपका जो आपके फिजिकल इनपुट और आउटपुट हैं उनकी एड्रेसिंग आपको यहाँ से हटा लेनी है। तो मैं फटाफट इनको इनकी एड्रेसिंग हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने जो भी मेरे फिजिकल इनपुट आउटपुट थे उनकी एड्रेसिंग मैंने हटा ली है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इंटरफेस में जाना है आपको और यहाँ पर सबसे पहले आपने इनपुट सेलेक्ट करना है यानी कि आपको उस ब्लॉक के लिए इनपुट डिक्लेयर करने होंगे जो आप ब्लॉक में दिखाना चाहते हैं। जैसे कि सपोज दैट आपने ये टाइमर ब्लॉक लगाया हुआ है, तो टाइमर ब्लॉक में आपको क्या दिख रहा है, टीवी दिख रहा है, आर दिख रहा है, VCD, VIQ, RS, इस टाइप के इनपुट आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके डेटा ब्लॉक में भी इसी तरीके के इनपुट आएँ और वो आपको ब्लॉक में शो हों, तो आपको पहले उसको इंटरफेस में डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी जा करके वो ब्लॉक में भी इंसर्ट होते हैं। तो सबसे पहला मैं इंटरफेस में आया और इनपुट पर आया। इनपुट पर आपको पता है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टॉप बटन लगाया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टॉप इनपुट। यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टॉप इनपुट, देन इसके बाद एंटर करता हूँ। यहाँ पर डेटा टाइप सेलेक्ट कर लेना बूलियन, एड्रेस डिफ़ॉल्ट ले लेगा, इनिशियल वैल्यू 0 और इसको एंटर कर लेना है। देन इसके बाद है आपका स्टार्ट इनपुट। स्टार्ट इनपुट लिख दिया मैंने, तो दो तो मेरे बेसिक इनपुट हैं स्टार्ट एंड स्टॉप। इसके अलावा अगर आप रीसेट के लिए भी इनपुट देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रीसेट, ठीक है। रीसेट के लिए भी आपको यहाँ पर ब्लॉक में मेंशन हो जाएगा रीसेट। देन इसके बाद आपको आना है आउटपुट पर। आउटपुट पर आने के बाद आपको आउटपुट मेंशन करना है। तो सबसे पहला मेरा जो आउटपुट है वो है स्टार कॉन्टेक्टर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्टार कॉन्टेक्टर, एंटर करता हूँ इसको बूलियन। इसकी बूलियन आउटपुट जो है बूलियन रहेगी, Q0.0 में यहाँ पर मेंशन करता था प्रोग्राम में मैंने लिया था, तो ये एक बूलियन आउटपुट है। इसी तरीके से यहाँ पर होगा आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए जो आउटपुट जाएगी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेल्टा कॉन्टेक्टर और इसकी भी जो डेटा टाइप है वो बूलियन है, एड्रेस इसका डिफ़ॉल्ट आ गया है, इनिशियल वैल्यू फॉल्स एंड एंटर कर दीजिए। इसके बाद है आपका मेन कॉन्टेक्टर, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं इसका नाम मेन कॉन्टेक्टर और इसका भी जो डेटा टाइप है वो बूलियन है और एड्रेस इसका इसको भी डिफ़ॉल्ट आ गया है,
फॉल्स एंड ओके। तो यहाँ पर हमने चार आउटपुट लिख दिए। इसमें अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्यू भी है आउटपुट, अगर इसको भी मेंशन करना चाहते हो, इसको भी मेंशन करना चाहते हो, तो जो भी आप ब्लॉक में मेंशन करना चाहते हो उसको यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर लिख दिया मैंने बी सी डी, और बी सी डी यहाँ पर आएगा आपका डेटा टाइप वर्ड में। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब असाइन करने हैं इनपुट एंड आउटपुट के जो इंटरफेस हैं उनको आपको यहाँ पर असाइन करना है। इनपुट आउटपुट इंटरफेस असाइन करने के बाद आपको क्या करना है, उन इंटरफेस को आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टॉप, सबसे पहला मेरे पास है स्टॉप इनपुट। तो जैसे ही मैंने स्टॉप लिखा तो यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का शो होगा। अगर मैं यहाँ पर कोई भी स्पेलिंग वगैरह मिसमैच करता हूँ या कोई केस मैं यहाँ पर मिसमैच करता हूँ तो यहाँ पर आपको रेड ही दिखाई देगा। यानी कि आपने जो इंटरफेस में जो भी वर्ड लिखा है उसको जस्ट आपको यहाँ पर कॉपी कर देना है। ये है आपका स्टार्ट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार्ट इनपुट। तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इसको स्टार्ट इनपुट, और ये है आपका आउटपुट। ठीक है, इनपुट मैंने लिख लिए हैं। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, और ये भी यहाँ पर सेम इनपुट रहेगा मेन के लिए। ठीक है, और इसके बाद मैं आ जाता हूँ आउटपुट पर। तो सबसे पहला है मेरा स्टार कॉन्टेक्टर, तो इसको भी कॉपी करके इस तरीके से आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद है डेल्टा कॉन्टेक्टर, तो इसको कॉपी कर देता हूँ, डेल्टा कॉन्टेक्टर को पेस्ट कर देता हूँ। देन इसके बाद है मेन कॉन्टेक्टर, इसको भी कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर मेन में इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर भी लैचिंग है मेन की, तो यहाँ पर भी मेन दे देते हैं, और यहाँ पर भी आपका मेन की लैचिंग है तो यहाँ पर भी मेन दे देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एक थ्री फेज मोटर के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब यहाँ पर जो है इंटरलॉकिंग देनी है, तो मैं यहाँ पर स्टार कॉन्ट्रेक्टर की इंटरलॉकिंग दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर की इंटरलॉकिंग दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो पूरा का पूरा लेटर है एफ बी के अंदर वो सभी ग्रीन हो चुके हैं। ठीक है, टाइमर को मैंने T0 ही नाम दिया है, और यहाँ पर मैंने एक टाइम सेट कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर अपना टाइम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जो भी आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर के हिसाब से थ्री फेज मोटर के लिए फिट बैठता है। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम जो हमारा लेटर में प्रोग्राम है उसके लिए एक FBD तैयार कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन ब्लॉक हम लोग तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया। इनपुट हमने असाइन किया, आउटपुट असाइन किए, और उन इनपुट आउटपुट के जो इंटरफेस हमने लगाए थे वो सब हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब इसको कर देना है आपको सेव, एंड इसको कर देना है यस, एंड गो टू अगेन OB1। OB1 में जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा थ्री फेज स्टार डेटा स्टार्टर था, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब आपको क्या करना है, FB में जाना है इधर लेफ्ट साइड में, और देखेंगे कि यहाँ पर एक FB1 क्रिएट हो चुका है, इसको डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपको डिफ़ॉल्ट एक FB1 मिल जाएगा। अभी भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी आपके फंक्शन ब्लॉक होते हैं उनका जो भी डेटा स्टोर होता है वो डेटा ब्लॉक के अंदर स्टोर होता है। तो या तो आप पहले से ही डेटा ब्लॉक क्रिएट कर लीजिए, जैसे आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके आना है और इंसर्ट करके डेटा ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप डेटा ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे DB1 और यहाँ पर करेंगे एंटर। तो पहला जो डेटा ब्लॉक डिफॉल्ट डेटा ब्लॉक होता है वो DB1 से शुरू होता है। यहाँ पर लिख रहा है द इंस्टेंट डेटा ब्लॉक DB1 डज नॉट एग्जिस्ट, डू यू वॉन्ट टू जनरेट इट, यस आई वॉन्ट टू जनरेट इट। जैसे ही आप इसको जनरेट करेंगे तो डेटा ब्लॉक आपका यहाँ पर इस S7 पेज में, यहाँ पर जो हमारा S7 पेज है सिमेटिक मैनेजर का, यहाँ पर जनरेट हो जाता है। अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सारी डिटेलिंग डेटा ब्लॉक के अंदर ऑटोमेटिकली फैच हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे इनपुट है, ये आपका स्टॉप इनपुट है, ये स्टार्ट है, रीसेट है, स्टार कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर, मेन कॉन्टेक्टर और BCD आउटपुट। इसका डेटा टाइप है, इनिशियल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू अभी जो दिखा रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या है, ये इनपुट को दिखा रहा है और ये आउटपुट को दिखा रहा है। ये सारी डिटेलिंग आपको डेटा ब्लॉक के अंदर शो हो रही है। तो जो भी फंक्शन ब्लॉक का डेटा है वो डेटा ब्लॉक में स्टोर होता रहता है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, उस पूरे के पूरे नेटवर्क को हमने एक डेटा ब्लॉक के फॉर्म में क्रिएट कर दिया। अब हम इसको करते हैं कंपाइल और चेक करते हैं अपना रिजल्ट। कंपाइल करने से पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल जैसे भी आप अन्य ब्लॉक्स, जैसे मैं यहाँ पर एक
एड ब्लॉक ले लेता हूँ सपोज दैट। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इनपुट रखते हैं, यहाँ पर इनपुट रखते हैं, फिर यहाँ पर आउटपुट एड्रेस रखते हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी क्या करना है, इनपुट एड्रेस और आउटपुट एड्रेस मेंशन करने हैं जो आप इसमें रखना चाहते हैं। क्योंकि हमने अंदर जब हमने FB1 बनाया था, आपने देखा होगा, तो यहाँ पर हमने एड्रेस मेंशन नहीं किया था। अगर हम यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर देते तो ये क्या हो जाता, एक तरीके से फिक्स हो जाता और आप इसको मल्टीपल टाइम्स या मल्टीपल एड्रेसिंग के साथ में यूज नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर जस्ट सिम्बॉलिक लिखा है, यानी कि इंटरफेस के इनपुट आउटपुट दिए हैं और इंटरफेस पर आप बाद में कोई भी एड्रेसिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ सबसे पहले एड्रेसिंग। तो मेरे पास में एड्रेसिंग थी I0.0 स्टॉप के लिए, I0.1 स्टार्ट के लिए, रीसेट के लिए भी मैं रख देता हूँ I0.2। अगर आपको इंस्टेंटली इस टाइमर को रीसेट करना है, इसके अंदर जो टाइमर हमने बनाया है उसको रीसेट करना है, तो I0.2 पर आपको इनपुट देना पड़ेगा। स्टार कॉन्ट्रेक्टर Q0.0, डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर Q0.1, मेन कॉन्ट्रेक्टर Q0.2। यहाँ पर हमने इसकी भी एड्रेस दे दी है। BCT का जो एड्रेस है, अगर आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका वार्ड, वार्ड एड्रेस रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक वार्ड एड्रेस MW0, इस पर आपका जो रिजल्ट है टाइमर का वो स्टोर होगा। तो मैंने बेसिकली हमारे पास में स्टार्ट डेटा के लिए मेन जो हमारे पास में इनपुट है, एक तो हमारे पास में स्टॉप इनपुट है, स्टार्ट इनपुट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ओवरलोड का भी लगाना चाहते हैं तो ओवरलोड भी आपका लग जाएगा, उसके लिए आपको एक और स्टॉप इनपुट NC यूज़ करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। देन उसके बाद होता है स्टार कॉन्ट्रेक्टर, डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर, मेन कॉन्ट्रेक्टर। अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है, चेक करना है कि जब मैं स्टार्ट को इनपुट को ऑपरेट करूँगा तो पहले मेरा स्टार कॉन्ट्रेक्टर और मेन कॉन्ट्रेक्टर एक साथ चलना चाहिए। तो इनिशियली जब मोटर स्टार्ट होती है तो वाइंडिंग में इनरश करंट जो होती है काफ़ी हाई होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम स्टार कॉन्फ़िगरेशन में मोटर को कनेक्ट करते हैं। और 7 to 10 सेकंड जब मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड से 75% स्पीड को गेन कर लेती है तो हम स्टार कॉन्ट्रेक्टर को हटा देते हैं और डेल्टा से उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो डेल्टा वाइंडिंग और मेन के साथ में कॉन्टैक्ट बना करके आपकी जो मोटर है वो फुल लोड पर ऑपरेट होना शुरू हो जाती है। चेक करते हैं कि हमारा जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का फंक्शन ब्लॉक है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो यानी कि जब मैं स्टार्ट इनपुट अप्लाई करता हूँ तो मेरा स्टार कॉन्ट्रेक्टर और मेन कॉन्ट्रेक्टर एक बार ऑपरेट होने चाहिए स्टार्टिंग में, और 7 to 10 सेकंड के बाद मेरा डेल्टा और मेन के साथ में ऑपरेट होना चाहिए और स्टार उस टाइम पर मेरा ऑफ हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इनपुट देता हूँ I0.1 पर, मैंने यहाँ पर इनपुट दिया है I0.1 पर। तो आप देखेंगे स्टार कॉन्ट्रेक्टर और मेन कॉन्ट्रेक्टर पर आपको 1 शो हो रहा है, यहाँ पर आपका टाइमर चल रहा है। जैसे ही टाइमिंग आपकी पूरी होती है डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर और मेन आपका ऑपरेट हो जाता है। तो मैं फंक्शन ब्लॉक को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर भी हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टॉप कर देता हूँ एक बार और देन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टार कॉन्ट्रेक्टर मेन कॉन्ट्रेक्टर एक पहले ही ऑपरेट हो चुके हैं और आफ्टर 7 सेकेंड आपका स्टार ऑफ हो जाएगा और डेल्टा और मेन आपका नॉर्मली फुल लोड पर ऑपरेट होते रहेंगे जब तक कि आप स्टॉप बटन प्रेस नहीं करते। तो फ्रेंड्स, ये था आपका स्टार डेटा स्टार्टर के लिए फंक्शन ब्लॉक। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे हर वीडियो पर YouTube द्वारा थैंक्स के ऑप्शन को इनेबल कर दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।